हेलो फ्रेंड्स, आज हम चिकन स्टीम रोस्ट बनाने वाले हैं। और ये जो चिकन स्टीम रोस्ट है वो बहुत ही जूसी बनने वाला है और जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और हम इसे कढ़ाई में ही बनाएंगे, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लगेंगी इसमें। हम बहुत आसान तरीके से जो घर में चीज़ें अवेलेबल है हमारे, बस उसी चीज़ों से बनाएंगे। लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जूसी बन के तैयार होंगी। आप इसे स्टार्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं दावतों में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और आखिर तक ज़रूर देखें। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। चिकन में इस तरीके से बड़े बड़े कट लगाया है ताकि मसाला हमारा अच्छे से जाए चिकन के अंदर और फ्लेवरफुल चिकन बने। तो इसके मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन में 1 कप दही लिया है। मैंने बहुत गाढ़ा दही लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 कप फुल भर के मैंने दही लिया है। दही में हम कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे कि 1 टेबलस्पून के करीब टोमेटो केचप डाला है मैंने, और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे, यह हमने कलर के लिए डाला है, और 1.5 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1/2 टेबलस्पून के करीब चाट मसाला डालेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब जीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। यानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आपको जितना तीखा पसंद है। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 पूरे नींबू का जूस डाला है। तो आपको खट्टा भी जितना पसंद है आप उस हिसाब से नींबू का जूस डालें। किसी को कम खट्टा पसंद होता है, किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 पूरा नींबू का जूस डाला है। 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, मैंने यहाँ पर डार्क सोया सॉस लिया है, 1 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे, और यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर लिया है, आपकी चॉइस है। अगर आपको फूड कलर नहीं डालना है तो ना डालें। तो देखिए यहाँ पर मैंने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं नमक डालना भूल गई थी पहले मिक्स करने से पहले। तो अब हमें बहुत अच्छे से दही को फेंटना है। फेंटते हुए सारे मसालों को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए हमारे सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। सारे मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद हम यहाँ पर हमारा चिकन डालेंगे। अब हमें चिकन को बहुत अच्छे से मसाला लगाना है। जितने भी हमने कट्स लगाए हैं, कट्स के अंदर अच्छे से हाथ डालकर मसाला डालेंगे हम, ताकि हमारा जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बने और मसाला अंदर तक जाए, उसका टेस्ट अंदर तक जाए। तो देखिए मैं बहुत अच्छे से कट्स में सारे मसाला डाल रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, चिकन को उलट पुलट करते हुए अच्छे से मसाले लगाएंगे। अब हम चिकन को 1 से 1.5 घंटा या 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो देखिए हमने 4 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। जिसके पास वक्त नहीं है वो 1 से 1.5 घंटा भी रख सकते हैं। और बहुत अच्छा सा चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा पैन लिया है। पैन में 3 टेबलस्पून के करीब तेल डाला है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हमारे चिकन के पीसेस इस तरीके से डालेंगे हम। सारे पीसेस अच्छे से डाल देंगे और जितना भी हमारा मसाला है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मसाला बनाया था, तो जितना भी हमारा मसाला है वो सारा मसाला इस तरीके से चिकन में डालेंगे। क्योंकि जो मसाला है उसी का हम स्टीम तैयार करेंगे और वही स्टीम हमारे चिकन में डबल फ्लेवर लेकर आएंगे। यानी हमारा जो चिकन है वो ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। अब हम चिकन को ढककर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। पर मैंने मसाला अच्छे से साफ करके डाला है। इस तरीके से फॉइल पेपर लगा के मैंने ढक्कन लगा दिया है ताकि हमारी अच्छी से स्टीम तैयार हो जाए। तो आप यहाँ पर कपड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर लिया है। अब हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोल कर देखेंगे चिकन का क्या हाल है। तो देखिए चिकन के मसालों में अच्छा सा पानी भी छूट गया है। चिकन की एक साइड अच्छे से पक गई है। अब हम इसे पलटी करके उसकी दूसरी साइड को अच्छे से पका लेंगे। देखिए इस तरीके से सारे चिकन के पीसेस को पलटी कर देंगे और अच्छे से दूसरी तरफ को भी पका लेंगे। अब ढक देंगे और ढककर 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमने ढक्कन हटाया तो हमारा मसाला भी काफ़ी हद तक सूख चुका था। अब हम क्या करेंगे, सारे चिकन के पीसेस को एक प्लेट में निकाल देंगे, क्योंकि हमारा मसाला भी सूख चुका है।
क्योंकि मैं ये प्रोसेस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मसाला है चिकन का वो सूख चुका है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हमारा मसाला ज़्यादा बन जाता है और चिकन में वो कच्चापन आता है जिसकी वजह से। तो हम अब क्या करेंगे, चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे और जो हमारा बचा हुआ मसाला है उसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ पर मेरा मसाला बहुत कम बच गया है, लेकिन कभी आपका ज़्यादा मसाला बच जाए तो आप इस तरीके से चिकन के पीसेस को पहले निकाल लीजिएगा और फिर बाद में जो बाकी बचा हुआ मसाला है इसे 2 मिनट के लिए तेल में अच्छे से चम्मच हिलाकर फ्राई करना, तो हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे से पक भी जाएगा, उसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो देखिए मैंने जितना भी मसाला बचा है उसे मैंने 2 मिनट के लिए इस तरीके से पकाया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो चिकन के पीसेस जो हमने प्लेट में निकाल कर रख दिए थे वो अब हम इस तरीके से पैन में डाल देंगे। जितना भी मसाला है वो चिकन को अच्छे से हिलाकर कोट करेंगे और ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो देखिए हमारा मसाला पूरी तरीके से अब अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसे कोयले का स्मोक देंगे जिससे हमारे चिकन में एक तंदूरी फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने कोयले के ऊपर तेल डालकर 2 मिनट ढककर रख दिया है। तो 2 मिनट के बाद देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा चिकन पूरा ड्राई हो चुका है और अच्छे से पक चुका है। ये वाला प्रोसेस बिल्कुल आप पर डिपेंड है कि आपको ये प्रोसेस करना है या नहीं करना है। आप कोयले का स्मोक देने के बाद उसी तरीके से भी चिकन खा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप गैस के ऊपर सिर्फ 2 मिनट के लिए ही आप इस तरीके से आप भुनेंगे चिकन को तो एक बहुत ही ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर आता है और तंदूर के जिस तरीके से तंदूर में चिकन बनता है बस उसी तरीके से हमें चिकन बन के तैयार मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें कोई तंदूर की ज़रूरत नहीं, बिना तंदूर के ही हमारा फ्राई पैन के अंदर चिकन तंदूरी चिकन बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ये प्रोसेस पूरा आप पर डिपेंड है, आपको नहीं करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है। तो आप चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ सलाद पत्ते लिए हैं और उसके ऊपर इस तरीके से चिकन को डेकोरेट किया है नींबू और प्याज से। तो आप अगर डाइनिंग टेबल के ऊपर दावतों के अंदर या घर में पूरी फैमिली के साथ इस तरीके से चिकन एंजॉय कर सकते हैं, आप इसे एज अ स्टार्टर डिश भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे ईद में भी बना सकते हैं। तो देखा आपने हमने कितने आसान तरीके से चिकन स्टीम रोस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। थैंक फॉर वॉचिंग।